हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली आज के इस वीडियो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे टिकिंटर लाइब्रेरी के बारे में। तो टिकिंटर लाइब्रेरी को यूज़ करके आप पाइथन की GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट पाइथन में टिकिंटर के अलावा और भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे WX पाइथन, PyQt। तो आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, बट इस कोर्स में हम कवर करेंगे टिकिंटर लाइब्रेरी के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और सिंपल एप्लीकेशन होगी, बट ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर करूँगा। और ये जो टिकिंटर मॉड्यूल है, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में अवेलेबल नहीं है, आप इसे दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रूबी, पर्ल। तो इन लैंग्वेजेस के साथ भी टिकिंटर अवेलेबल है। और टिकिंटर जो मॉड्यूल है, ये पाइथन का स्टैंडर्ड GUI एप्लीकेशन के लिए लाइब्रेरी है। मतलब आपको कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो टिकिंटर मॉड्यूल है वो पाइथन के साथ ही आता है। आपको सिंपली करना क्या है, इंपोर्ट करना है और उसे यूज़ करना है। उसके बाद टिकिंटर, मैं इसको बोलता हूँ टिकिंटर, बट जो उसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है Tkinter, और कई लोग इसे बोलते हैं किंटर। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे दो वर्ड्स अलग अलग बोलना सही नहीं लगता, तो इसलिए मैं टिकिंटर बोलता हूँ और टिकिंटर बोलने की ही आदत है मुझे। बट अगर आपको, बट इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन है Tkinter, जो कि आई है Tk इंटरफेस से। ओके, तो अब बात करते हैं Tkinter को हमने इम्पोर्ट कैसे करना है। तो Tkinter को इम्पोर्ट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट Tkinter। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको पाइथन में GUI एप्लीकेशन बनानी है, वो भी Tkinter का यूज़ करके, तो तीन लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेंगी। वो तीन लाइन कौन सी है वो मैं बता दूं आपको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टर कोड, मतलब जब भी आपको पाइथन में Tkinter की कोडिंग करनी है तो तीन लाइन लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है Tkinter मॉड्यूल। Tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के और भी तरीके हैं, उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं Tkinter की कोडिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी लाइन लिखनी है। सबसे पहले Tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, उसके बाद आपको करना क्या है, जो Tkinter मॉड्यूल है उसके अंदर आपको एक मिलेगी क्लास, क्लास का नाम है Tk, और उस क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। कैसे कॉल करोगे, ऐसे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे और आपको एक करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, विन रख सकते हैं, विंडो रख सकते हैं जो कॉमन नेम है, विंडो रख सकते हैं, या फिर रूट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मोस्टली लोग क्या रखते हैं इसका नाम, तो रूट रखते हैं या फिर विंडो रखते हैं या फिर विन रखते हैं, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है आपका विन, जो आपका इंस्टेंस क्रिएट हुआ है विन, आपको इस पर एक मेथड यूज़ करना है, मेन लूप। इस मेन लूप का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको इतना करना है, उसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है, ठीक है। और अब देखिए ये क्या है, आप इसको समझ सकते हैं, ये जो मैंने विन नाम का जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, आप इसको ये समझ सकते हैं, जो अब हमारे पास विंडो ओपन हुई। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या है, अभी इसी विंडो के ऊपर हम देखेंगे कि हमें विजेट कैसे ऐड करनी है, कैसे मेल, कैसे हमें लेवल्स ऐड करने हैं, कैसे रेडियो बटन, चेक बटन, सबमिट बटन, कैसे हमें ये सब कुछ ऐड करना है, तो हम इसी विंडो के ऊपर सीखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं इस मेन लूप की। देखिए अगर मैं यहाँ पे मेन लूप ना लिखूं और अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं, तो देखिए क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मतलब जो मेरी GUI एप्लीकेशन थी वो स्टार्ट हुई और उसी टाइम क्लोज हो गई। बट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब तक यूज़र खुद क्रॉस ना करे तब तक वो क्लोज ना हो, तो इसलिए हम लिखते हैं मेन लूप, मतलब हम इन्फिनाइट टाइम चलाना चाहते हैं अपनी इस लाइन को। ओके, उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो चुकी है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जिसका टाइटल है वो है Tk, बट मैं इस टाइटल को चेंज करूँगा, और इस टाइटल को चेंज करने के लिए आप विन पे एक मेथड यूज़ कर सकते हैं टाइटल, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल लेता हूँ GUI। ओके, और
अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ पहले और फिर से रन करता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है GUI, तो इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं और तरीके जिस तरह से लोग अपने Tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट Tkinter। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रॉम Tkinter इंपोर्ट स्टार, मतलब आपने Tkinter में से सब कुछ इंपोर्ट कर लिया, बट अगर आप इस तरह से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे Tkinter नहीं लिखना, आपको सिंपली क्या करना है, Tk क्लास को के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है सिंपली इस तरह से। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए अगर अब मैं इसको रन करूँगा तो बिल्कुल वही काम हो रहा है अभी भी, बट मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करता, मतलब कि मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करता, इससे बेटर ये है इंपोर्ट Tkinter, ठीक है। और मैं एक्चुअली इंपोर्ट Tkinter भी यूज़ नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट Tkinter STK, मतलब अब मुझे पूरा Tkinter लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे Tkinter लिखना होगा मैं वहाँ लिखूँगा Tk। ओके, तो मैं इस कोर्स में, मैं इस वीडियो में या आगे आने वाली वीडियोस में Tkinter की मैं इसी तरह से यूज़ करूँगा, और मैं आपको कहूँगा कि आप भी इसी तरह से यूज़ कीजिए। मैं इस तरीके को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्रॉम Tkinter इंपोर्ट स्टार कीजिए, यह तरीका मुझे पसंद नहीं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ फालतू के कोड को, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं लेबल्स की। तो लेबल कैसे क्रिएट करेंगे, और सबसे पहले लेबल क्या होते हैं, लेबल कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का भी लेबल हो सकता है जो आप राइट करेंगे। कहाँ पे राइट करेंगे, इस विंडो पे। तो कैसे राइट करेंगे वही देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब एक और बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी हम विजेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी हम विजेट्स यूज़ करेंगे, जैसे विजेट्स जैसे कि हमारा हो गया लेबल, हो गया बटन्स, हो गए या रेडियो बटन्स, हो गए कोई भी विजेट्स, वो सभी आपके पास Tk क्लास के अंदर भी अवेलेबल हैं, Tk, और एक और सब क्लास है इस लाइब्रेरी में, एक बोल सकते हैं सब मॉड्यूल बोल सकते हैं, या एक और मॉड्यूल बोल सकते हैं इस Tkinter लाइब्रेरी के अंदर, जिसका नाम है TTK। ओके, और एक और बात बताऊँ तो जो TTK मॉड्यूल के जो विजेट्स हैं, जैसे कि लेबल, बटन्स, रेडियो बटन्स, वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू जो कि हमने इंपोर्ट किया Tk। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, TTK मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो क्या है, सब मॉड्यूल समझ सकते हैं आप Tkinter पैकेज का। ओके, तो कन्फ्यूज मत होना जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो पाइथन की लाइब्रेरीज है यहाँ पे सारी, यहाँ पे कहीं पे और Tkinter भी होगा, हाँ यहाँ पे Tkinter। तो अभी हमने क्या किया, जब हमने इंपोर्ट किया Tkinter तो हमने ये सब कुछ इंपोर्ट किया अभी। ओके, तो ये देखिए, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास सारे विजेट्स हैं, ठीक है, बटन, जैसे कि मैं बात करूँ तो बटन, यहाँ पे एक बटन क्लास होगी, हाँ देखिए यहाँ पे एक बटन क्लास है। अब आप बटन क्रिएट करने के लिए, ये जो हमने इंपोर्ट किया, ये जो हमने इंपोर्ट किया Tk, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, Tkinter इंपोर्ट किया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने बटन को क्रिएट करने के लिए। मैं आपको इससे बटन क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, बट ये जो बटन होगा ये दिखने में भी सही लगेगा, या फिर लेबल हो गया, रेडियो बटन, चेक बटन, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है इस Tk क्लास के, Tk मॉड्यूल के अंदर। बट यहाँ पे आपको एक और मॉड्यूल देखने को मिलेगा जिसका नाम है TTK,
ये Tkinter पूरे फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को आप पूरे पैकेज की तरह समझ सकते हो। इस पूरे पैकेज के अंदर आपके पास एक और टीटी के मॉड्यूल है, मतलब पाइथन की फाइल है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी आप वो सब कुछ है, देखिए बटन है, चेक बटन, कॉम्बो बॉक्स, एंट्री फ्रेम, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं यूज़ करता हूँ इस टीटी के मॉड्यूल का, इस टीटी के मॉड्यूल का मैं यूज़ करता हूँ लेबल, और लेबल यूज़ करता हूँ मैं, और रेडियो बटन यूज़ करता हूँ, चेक बटन यूज़ करता हूँ, और कई बार मैं क्या करता हूँ बटन यूज़ करता हूँ सिंपल टीके क्लास का, टीके मॉड्यूल का, क्योंकि जब मुझे कलर चेंज करना होता है। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, तो सब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम Tkinter एस, फ्रॉम Tkinter इम्पोर्ट TTK। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम अपने इस मॉड्यूल को इस तरह से इम्पोर्ट करते इम्पोर्ट स्टार, तो हमें ये लाइन ना लिखनी पड़ती। बट ऐसा नहीं है, अगर आप अपने मॉड्यूल को इस तरह से भी इम्पोर्ट करते तो भी आपको ये लाइन लिखनी पड़ती, क्योंकि ऐसा जिसने भी ये Tkinter मॉड्यूल को राइट किया पाइथन में, उसने ऐसा ही डिसाइड किया। मतलब अगर आप सब कुछ इम्पोर्ट करोगे, तो अगर आप स्टार करके इम्पोर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, ये जो इनिट फाइल आप इसको इम्पोर्ट करते हो, जो भी सारी इनिट फाइल आप कम्प्लीटली इसको इम्पोर्ट करते हो, और इसके अंदर जो टीटी के वाले विजेट्स हैं वो इम्पोर्ट नहीं होते। ओके, तो इसके लिए आपको अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी, जब आप जैसे मर्जी इम्पोर्ट करो। बट मैं ऐसे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। ओके, और अब देखते हैं लेबल कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेबल क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या, देखिए टी टी के अंदर एक क्लास है लेबल क्लास, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, मतलब इसके इनिट या इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या पास करोगे, आपने किस विंडो के ऊपर लेबल राइट करना है। मतलब हमारी विंडो क्या है ये, तो आपने इसके ऊपर एक लेबल राइट करना है। उसके बाद आपके लेबल का टेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि टेक्स्ट होगा फॉर एग्जांपल मेरा एंटर योर नेम। ओके, ये मेरा लेबल है। ठीक है, मैंने क्या किया, लेबल क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या राइट किया, विंडो और टेक्स्ट राइट किया। बट अगर मैं अपने प्रोग्राम को अभी रन करूँगा तो क्या होगा, देखिए अभी कुछ भी लेबल नहीं आ रहा मेरे पास। क्यों नहीं आ रहा, क्या आप सोच सकते हैं। देखिए, अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरे विंडो के अंदर एक लेबल होगा, बट अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि विंडो पे लेबल कहाँ पे होगा, मैंने अभी लोकेशन नहीं बताई। ठीक है, अब इसके लिए, मतलब विंडो के ऊपर लेबल को सेट करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो, या तो आप यूज़ कर सकते हो पैक, या फिर आप यूज़ कर सकते हो ग्रिड। तो मैं बताता हूँ क्या होगा, देखिए सिंपली अगर मैं लिखूँगा पैक तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे देखिए एंटर योर नेम, तो पैक से ये कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट मुझे पैक पसंद नहीं, मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इस वीडियो में भी मैं ग्रिड लेआउट मैनेजर ही यूज़ करूँगा। ओके, तो ग्रिड लेआउट मैनेजर को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ग्रिड लेआउट मैनेजर को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इतना ग्रिड। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दो वैल्यू पास करनी है, रो 0 कोमा कॉलम 0। अभी रो 0 और कॉलम 0 मैंने लिखा, तो इससे क्या होगा, देखिए ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट में होगा। और जिन्हें नहीं पता, रो होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब रो होंगी कुछ इस तरह से, मेरे माउस की पोजीशन को देखिए, इस तरह से रो होंगी, और जो कॉलम होंगे वो होंगे इस तरह से। ओके, बट अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी कॉलम की वैल्यू को चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल कॉलम की वैल्यू को 5 कर दूँ, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे स्टाइलिंग की। अभी हम फोकस करेंगे कि हमें विजेट्स को कैसे क्रिएट करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिखता हूँ रो 0 और कॉलम 0। ओके, तो मैं ऐसे भी नहीं लिखूँगा, और मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में साइन करता हूँ इसको। तो और उसके बाद मैं क्या करूँगा,
आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ये ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने मेथड यूज़ किया ग्रेड या फिर वेरिएबल्स हो सकते हो। उसके बाद मैंने रो ज़ीरो और कॉलम ज़ीरो सेट की यहाँ पे। ओके, तो ये है कि हमने लेबल कैसे क्रिएट करना है। और अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक लेबल क्रिएट हो रहा है मेरे लिए। अब क्या करते हैं, एक और लेबल क्रिएट करते हैं। अभी मैंने किसके लिए किया, नेम के लिए। अभी क्या करता हूँ, एज के लिए एक लेबल क्रिएट करता हूँ। तो एज लेबल, तो टीटीके डॉट, हाँ एक और बात, यहाँ पे जो टीटीके है, टीटीके मैंने टीटीके मॉड्यूल यूज़ किया, आप टीके भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं टीके यूज़ करूँगा तो देखिए क्या होगा, लेबल अभी भी आएगा, ठीक है, तो लेबल अभी भी आएगा, बट ये जो टीटीके के जो विजेट्स हैं वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यही कारण था कि मैं टीटीके यूज़ कर रहा हूँ, टीके नहीं यूज़ कर रहा। ओके, तो उसके बाद एक और लेबल क्रिएट करते हैं। अब लेबल क्रिएट करते हैं एज के लिए, टीटीके डॉट लेबल, और उसके बाद वही काम करना है आपको बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रो ज़ीरो और कॉलम ज़ीरो, अभी मुझे करना क्या है, जहाँ पे नेम लेबल था उसके नीचे मुझे एज लेबल सेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रो की वैल्यू को कर दूँगा 1 और कॉलम की वैल्यू को रहने दूँगा मैं 0। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास दो लेबल आ रहे हैं, एंटर योर नेम, एंटर योर एज। बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंटर योर एज वाला जो लेबल है ये थोड़ा सा राइट साइड में है, ये अच्छी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं है, मतलब इनकी पोजीशन इक्वल नहीं है लेफ्ट साइड से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए देखिए जहाँ पे मैंने ग्रिड लिखा यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ, स्टिकी, ठीक है, और स्टिकी की वैल्यू को मैं सेट करूँगा टीके डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, मतलब कि मुझे इसको लेफ्ट साइड में ही स्टिक करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, स्टिकी इक्वल्स टू टीके डॉट डब्ल्यू। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। और अगर मैं आप इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये अलाइन हो चुके हैं, अब बिल्कुल सही है दिखने में। ओके, तो ये हो गया लेबल। अब एक और लेबल क्रिएट कीजिए, इस वीडियो को भी पोस्ट कीजिए और एक लेबल क्रिएट कीजिए ईमेल के लिए। आई होप आपने कर लिया होगा, तो काफ़ी सिंपल है। तो ऐसा करते हैं, नेम के बाद मैं ईमेल पूछता हूँ तो ज़्यादा सेंस रहेगी उसकी। ईमेल लेबल टीटीके डॉट लेवल, तो मैं क्या करता हूँ इसकी जो रो है उसको मैं करता हूँ 1 और इसके कॉलम को मैं करता हूँ सेट 0 और मैं क्या करता हूँ इसके रो को करता हूँ 2 सेट। ओके, तो अभी हमने क्या किया, 3 लेबल हमने क्रिएट किए। यहाँ पे भी मैं स्टिकी प्रॉपर्टी सेट करूँगा, यहाँ पे स्टिकी आर्गुमेंट सेट करूँगा। ओके, तो अब देखते हैं इसको रन करके। ओके, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, एंटर योर एज। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूज़र के लिए एक एंट्री बॉक्स क्रिएट करते हैं, मतलब टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे यूज़र टाइप कर पाए। तो इस तरह के बॉक्स को हम टकिंटर में बोलते हैं एंट्री बॉक्स। तो एंट्री बॉक्स ऐसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे कि मुझे एंट्री बॉक्स क्रिएट करना है इस नेम के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली नेम
एंट्री बॉक्स। तो आपको करना क्या है, टी टी के मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है एंट्री क्लास, और उस एंट्री क्लास में आपको करना क्या, देखिए आपको कहाँ पे एंट्री बॉक्स बनाना है, विंडो के ऊपर ही। उसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं देंगे, यहाँ पे आप देंगे एक विड्थ, मतलब कि उसकी विड्थ कितनी होगी। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे विड्थ होगी उस एंट्री बॉक्स की 16 या 18 या जितनी मर्जी आप सेट कर सकते हो। 16 विड्थ कितनी होती है अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको रन करूँगा। उसके बाद विड्थ के बाद देखिए क्या होगा, अभी तो मैं इतना ही रहने देता हूँ अभी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेम एंट्री बॉक्स डॉट ग्रेड, ओके। तो मुझे क्या करना है, जो नेम लेवल था इसके राइट साइड में इसको अलाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम की वैल्यू को ज़ीरो कर दूँगा, ओके। तो मैं वही काम करूँगा, रो ज़ीरो और कॉलम की वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, वन। ज़ीरो थी मतलब कि राइट साइड में करने के लिए, कॉलम की वैल्यू वन, ओके। तो स्टिकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, स्टिकी कुछ सेट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे यूज़र कुछ टाइप कर सकता है, बट आपने एक चीज़ सोची कि जो यूज़र टाइप करेगा उसको हम स्टोर कहाँ पे करेंगे। उसके लिए हमें एक वेरिएबल भी तो चाहिए, जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यू टाइप करेगा, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम वार। और Tkinter में वेरिएबल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टी के डॉट। अब वेरिएबल किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग वार नाम का स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, ओके। और उसके बाद एंट्री बॉक्स के जो एंट्री क्लास है इसके कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे एक टेक्स्ट वेरिएबल। क्या होगा हमारा टेक्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे इकट्ठा आएगा और यहाँ पे कोई कैमल केस या स्नेक केस नहीं होगा, सिंपल आपको टेक्स्ट वेरिएबल एक साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना होगा, जैसे नेम वेरिएबल, ओके। तो अब इससे क्या होगा, यूज़र कुछ भी यहाँ पे टाइप करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, नेम वेरिएबल के अंदर, ओके। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट कैसे करेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे वो अभी अब सीखेंगे अभी। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, दो एंट्री बॉक्स और क्रिएट करता हूँ, किसके लिए, ईमेल के लिए और एज के लिए, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, दो एंट्री बॉक्स और क्रिएट करता हूँ, और अभी मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज करता हूँ, सबसे पहले ईमेल के लिए, तो ईमेल एंट्री बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी रो को करता हूँ सेट वन, ओके। तो और यहाँ पे इसको सेट करता हूँ मैं ईमेल, और यहाँ पे एज के लिए करता हूँ मैं यही काम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी रो को सेट करता हूँ टू, ओके। और अब देखते हैं इसकी, इसको रन करके, ओके कूल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर योर नेम, उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री बॉक्स है मेरे पास, एंटर योर ईमेल एक एंट्री बॉक्स है, उसके बाद एंटर योर एज एक एंट्री बॉक्स है मेरे पास, ओके। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। और फिर से मैं रिकैप करता हूँ अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया Tkinter मॉड्यूल को एस टी के, मतलब जब भी मैं Tkinter लिखूंगा उसकी जगह लिखूंगा टी के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया टी टी के मॉड्यूल को, ठीक है। इस Tkinter पूरे फोल्डर में, मतलब इस पूरे फोल्डर को आप पैकेज की तरह समझ सकते हैं, उसके अंदर एक और मॉड्यूल है टी टी के, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसको मैंने इंपोर्ट किया। और उसको मैंने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि जो इसके विजेट्स हैं, जैसे बटन हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बटन हो गया, वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ओके। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस जो टी के मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है टी के क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ मेरा विन नाम का। उसके बाद मैंने क्या किया था, विन डॉट मेन लूप नाम का एक मेथड कॉल किया था, ताकि मेरा जो GUI एप्लीकेशन है वो एकदम से क्लोज ना हो। उसके बाद मैंने क्या किया, लेवल क्रिएट किए, और मैंने तीन लेवल क्रिएट किए, और लेवल क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किए TTK मॉड्यूल। उस टी टी के मॉड्यूल के अंदर एक लेबल नाम की क्लास है, और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको क्या पास करना है, एक विन नाम का, विन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपका जो आपने क्रिएट किया था यहाँ पे। उसके बाद आपको टेक्स्ट बताना है कि टेक्स्ट क्या होगा आपके लेबल का। उसके बाद आपको इसे
इसकी लोकेशन सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड लेआउट मैनेजर। मैंने बताया कि आप पैक भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पैक नहीं यूज़ करता, ग्रिड काफ़ी सही है। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर में मैंने क्या सेट किया, रो सेट किया, कॉलम सेट किया और एक स्टिकी प्रॉपर्टी सेट की। जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, वेस्ट कहाँ पर होता है, लेफ्ट में, तो यहाँ पर जो लेफ़्ट होता है तो लेफ़्ट में ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप अपनी विंडो को रिसाइज करोगे तो लेफ़्ट में ही अलाइन रहेगा, राइट साइड पर मूव नहीं होगा, तो इसका फ़ायदा ये है। ओके, तो ये तीन लेवल। उसके बाद बात करते हैं रो की, ठीक है। रो ज़ीरो मतलब सबसे टॉप पे, रो वन मतलब उससे नीचे, और रो टू मतलब उससे नीचे। ओके, उसके बाद कॉलम, कॉलम ज़ीरो मतलब सबसे लेफ्ट में, मतलब हमने रो ज़ीरो कॉलम ज़ीरो, उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो रो वन कॉलम ज़ीरो, उससे नीचे आएंगे रो टू कॉलम ज़ीरो। ओके, बट राइट साइड में मूव करेंगे तो कॉलम की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इस नेम के लिए मैंने एक एंट्री बॉक्स क्रिएट किया। कहाँ पे क्रिएट किया, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझाता हूँ फिर। देखिए, अब इस नेम के लिए मैंने एक एंट्री बॉक्स क्रिएट किया। एंट्री बॉक्स कहाँ पे क्रिएट किया मैंने, इसके राइट में। तो राइट में क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो इसकी रो की वैल्यू ज़ीरो थी, बट कॉलम की वैल्यू को मैंने कर दिया वन। आई होप इतना समझ आ चुका होगा, आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, और मैंने क्या किया इसके बाद, ये जो यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करेगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे टी के क्लास में एक स्ट्रिंग वार नाम की एक क्लास है, उसको कॉल करके, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम वार नाम का। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ओके, अब बात करते हैं बटन की, हमें बटन कैसे क्रिएट करना है। देखिए बटन, तो बटन भी बिल्कुल सिंपल है। मैं यहाँ पे क्रिएट अ बटन। ओके, तो टीटी के मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है बटन क्लास। ओके, और बटन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर आप फिर से वही चीज़ें पास करोगे, कहाँ पे बटन सेट करना है, विंडो के अंदर। और बटन का जो टेक्स्ट होगा वो होगा फॉर एग्जांपल सबमिट, सबमिट बटन। ओके, तो अभी इतना ही करते हैं, हम अभी बताऊंगा बटन का क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल में साइन कर देता हूँ, किसी भी वेरिएबल में, जैसे कि सबमिट बटन। उसके बाद मैं वही यूज़ करता हूँ अपना ग्रिड लेआउट मैनेजर। तो कैसे यूज़ करूँगा, सबमिट बटन डॉट ग्रिड। उसके बाद यहाँ पे मैं रो की वैल्यू सेट करूँगा कितनी, 3। ओके, और यहाँ पे मैं कॉलम की वैल्यू सेट कर दूँगा फॉर एग्जांपल 0। और पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बटन भी आ चुका। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, जैसे कि हर्षित ईमेल, हर्षित @gmail.com। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एज भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 20 या कुछ भी। ओके, तो एज के लिए आप यहाँ पे इंट वार भी बना सकते हैं, बट अभी मैं एज को स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, तो चेंज कर सकते हैं आप चाहो तो। बट अभी मेन फोकस करते हैं सबमिट बटन पे। अब मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, कुछ एक्शन ही परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इस बटन को क्लिक करें और कुछ एक्शन परफॉर्म हो। किस तरह का एक्शन परफॉर्म हो अभी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक राइट करनी है किसी फाइल के अंदर, या CSV फाइल हो या फिर टेक्स्ट फाइल हो, किसी फाइल के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन राइट करनी है, तो कैसे राइट करेंगे हम। ओके, या फिर मुझे सिंपली इस इन्फॉर्मेशन को अपने टर्मिनल में प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने बटन पे क्लिक करो कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए आपको एक कॉल बैक फंक्शन बनाना होगा। ओके, और यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा कमांड, और कमांड इक्वल्स टू आप एक फंक्शन का नाम रखेंगे यहाँ पे कोई। फॉर एग्जांपल, मेरे फंक्शन का नाम है एक्शन, या सबमिट बटन फंक्शन, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो और मुझे क्या करना होगा, इसी नाम का एक फंक्शन डिफाइन करना होगा इससे ऊपर। अभी फ़िलहाल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं यूज़ कर रहे,
Tkinter की कोडिंग के लिए, बट आने वाली वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम करना क्या है, कमांड इक्वल्स टू एक्शन, उसके बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा एक्शन नाम का, ओके। और ये एक्शन नाम का फंक्शन क्या करेगा, देखिए अब जैसे, अब देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ पे पास लिखता हूँ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूज़र ने कुछ टाइप किया ABC, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC@gmail.com, उसके बाद एज एंटर करी, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने एज एंटर करी 2 ईयर्स, उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे। देखिए मैं चाहता हूँ जैसे यूज़र इस पर सबमिट पे क्लिक करे, हम इन सभी की सभी जो एंट्री बॉक्स हैं इनकी वैल्यू को गेट करें और अपने यहाँ पे प्रिंट करें। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है, जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे, एक नेम वार, एक ईमेल वार, एक एज वार, ठीक है। एज वेरिएबल, नेम वेरिएबल और ईमेल वेरिएबल, इन तीनों वेरिएबल में से मुझे वैल्यूज़ गेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम var डॉट गेट, इससे क्या होगा वैल्यू गेट हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम इक्वल्स, ओके, ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी मैं किसके साथ कर सकता हूँ, एज के लिए, उसके बाद यूज़र एज इक्वल्स नेम एज एज var डॉट गेट, ओके। और उसके बाद मैं यही काम अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको, इस अलग से लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकता हूँ डॉट गेट लिख के, बट ठीक है। ईमेल सिंपल मैं लिख सकता हूँ यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ईमेल वार डॉट गेट, इससे क्या होगा मैंने तीनों वेरिएबल से वैल्यूज़ को गेट किया, ओके। गेट करने के बाद मैं सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ, और प्रिंट कराने के लिए आपको पता है मैं क्या एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र नेम इज एज इयर्स ओल्ड और एंड या सिंपली कोमा डाल के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यूज़र ईमेल, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने सिंपली ये लिख दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ, और अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हर्षित, उसके बाद harshit@abc.com, उसके बाद यहाँ पे एज एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ईयर्स, उसके बाद इसको सबमिट करता हूँ मैं। देखिए ऐसे मैं सबमिट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रिंट हो रहा है हर्षित 4 ईयर्स ओल्ड कोमा harshit@abc.com, उसके बाद मैं फिर से सबमिट करता हूँ, फिर से प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा सबमिट बटन अभी काम कर रहा है, ठीक है। बट हम अपने एप्लीकेशन में क्या चाहते हैं, हम इस डेटा को किसी फाइल के अंदर स्टोर करें, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे किसी फाइल के अंदर अपने डेटा को स्टोर, बट उससे पहले, अपनी फाइल के अंदर स्टोर करने से पहले हम अभी और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे कि हम रेडियो बटन कैसे ऐड करेंगे अपनी GUI एप्लीकेशन के अंदर। आपको पता है रेडियो बटन, रेडियो बटन से पहले हम बात करेंगे कॉम्बो बॉक्सेस कैसे ऐड करेंगे अपनी GUI एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र की जेंडर इनपुट करानी है, तो जेंडर में क्या होगा, मेल फीमेल अदर्स, तो उसके लिए क्या होगा, यूज़र को एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करके देंगे। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, अभी हम क्रिएट करते हैं, आपको पता लगेगा कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ओके। तो बटन को नीचे रहने देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस बटन को क्या करता हूँ मैं, अभी के लिए इस बटन को मैं कमेंट आउट करता हूँ। उससे बटन से पहले हम काफ़ी चीज़ें क्रिएट करते हैं इसमें, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स, ओके। तो कॉम्बो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए वही काम TTK, अब TTK मॉड्यूल के अंदर आपको करना क्या होगा, आपके पास एक क्लास है जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स क्लास, और इस कॉम्बो बॉक्स क्लास के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आप विन, हमेशा की तरह विंडो का विन पास कराएंगे, उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पे भी आपको एक विड्थ पास करनी होगी, ओके। और विड्थ फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ 16, ओके। अब विड्थ के बाद देखिए क्या होगा, अब पहले कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करते हैं फिर बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये कॉम्बो बॉक्स होगा जेंडर के लिए, जेंडर कॉम्बो बॉक्स, ओके, जेंडर कॉम्बो बॉक्स। और अब मैं क्या करता हूँ, इस जेंडर कॉम्बो बॉक्स को ग्रिड लेआउट मैनेजर से इसको अलाइन करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे रो 2 थी तो रो 3 में मैं अलाइन करता हूँ, और इसको 0th कॉलम पे अलाइन करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं चेंज करूँगा फिर बाद में, ओके। बट अभी क्या होगा, देखिए इसको रन करूँगा तो बिल्कुल नॉनसेंस आउटकम आएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है बट इसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं है, आप सिर्फ वैल्यूज़ टाइप कर सकते हैं, ये किसी काम का नहीं है। अभी आपको पता है कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, यहाँ पे आप अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो वो वैल्यूज़ कैसे होंगी, कैसे आएंगी, ठीक है, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे जेंडर कॉम्बो बॉक्स आपको यहाँ पे लगाने हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्ट्रिंग्स में लिखना है वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वल्स लगा के एक टूपल असाइन करना है, उस टूपल में वैल्यूज़ लिखनी है जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी जिसको यूज़र सेलेक्ट कर पाएगा, मेल, फीमेल, अदर, ओके। और अब देखते हैं इसको रन करके, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अभी कॉम्बो बॉक्स है बट यहाँ पे मेल, फीमेल, अदर, यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए कुछ भी यूज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको और मॉडिफाई करते हैं, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लेबल देते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, ठीक है। तो वो लेबल क्रिएट करते हैं, तो जहाँ पे मैंने लेबल क्रिएट किए थे तो यहाँ पे मैं एक और लेबल क्रिएट करता हूँ, और इस लेबल को नाम दूंगा मैं जेंडर, ओके। और इस लेबल को मैं क्रिएट करूंगा रो 3 में कॉलम 0 में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ओके, और यहाँ पे कॉलम इसका कर देता हूँ 1, क्योंकि जो लेबल है उसका कॉलम क्या है 0, तो इसका कॉलम मैं कर दूंगा 1, ओके। और अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स तो आ रहा है बट जो भी यूज़र वैल्यू सेलेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल मेल या फॉर एग्जांपल फीमेल, वो वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर होगी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी वेरिएबल की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जेंडर वार नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद टी के डॉट स्ट्रिंग वार, और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में वही टेक्स्ट वेरिएबल, ओके। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पे एक नहीं कई प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ये मैंने कुछ इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा ही ले ली, तो सबसे पहले तो इसकी विड्थ कम करता हूँ, सबसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी विड्थ करता हूँ 14, इसको रन करता हूँ, इसको मैं फिर से देखिए अब विड्थ सही लग रही है। बट अब यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र भले ही सिलेक्ट कर सकता है मेल, फीमेल, अदर, बट यहाँ पे क्या है, यूज़र कुछ भी टाइप भी कर सकता है। हम नहीं चाहते कि यूज़र कुछ टाइप कर पाए, हम चाहते हैं यूज़र को सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट करनी है इस कॉम्बो बॉक्स से। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए उसके लिए यहाँ पे आप स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, और उस स्टेट में लिखेंगे आप रीड ओनली। इससे क्या होगा, इससे यूज़र टाइप नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाएगा कॉम्बो बॉक्स से वैल्यूज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। और अभी एक और प्रॉब्लम है देखिए हमारी एप्लीकेशन में, यहाँ पे जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, देखिए ध्यान देना,
जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मुझे अपना कर्सर लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर नेम पे, एंटर योर ईमेल पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मुझे अपना कर्सर ना लेना पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कर्सर कहाँ हो, यहाँ पे हो, फोकस कर्सर कहाँ पे है वो यहाँ पे हो। तो कैसे होगा वो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री बॉक्स बनाया है नेम के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम एंट्री बॉक्स डॉट फोकस, यहाँ पे फोकस मेथड यूज़ करूँगा, ओके। और यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फोकस कहाँ पे आ रहा है, बिना क्लिक किए यहीं पे आ रहा है। अब यहाँ पे कई बार क्या होगा, जो मैक यूज़र्स होंगे उनके पास कुछ एरर आ सकती है, तो वो क्या करें, यहाँ पे इस फोकस वाली लाइन को हटा के यहाँ पे मेन लूप से पहले लिखते हैं, तो उनके पास वो एरर नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और कमी क्या है, यहाँ पे देखिए मैं इसको अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट योर जेंडर है, जो इसका कॉम्बो बॉक्स है, ये अभी एम्प्टी है। मैं यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकता, बट फिर भी मुझे एक बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है और ये कुछ अजीब सा लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करंट वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, मतलब ये एम्प्टी ना रहे, इसमें पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू सिलेक्ट हो, जैसे कि मेल, फीमेल, अदर। अभी समझ आ जाएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, सिंपली तो जेंडर कॉम्बो बॉक्स डॉट करंट, और करंट में फॉर एग्जांपल मुझे करंटली वैल्यू सेट करनी है इस मेल की, तो इस मेल की पोजीशन क्या है इस टूपल में, जीरो, तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जीरो। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट योर जेंडर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू सेट है, मेल, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ फीमेल पे या अदर पे। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा कि हमने कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट किया, ओके। तो फिर से रिकैप करता हूँ, मैं कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट किया। कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ की कॉम्बो बॉक्स क्लास, उस कॉम्बो बॉक्स क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास किया विन नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, वो टी के क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करके। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ दी 14, उसके बाद टेक्स्ट वेरिएबल है जेंडर वार, और जो कि हमने क्रिएट किया है ऊपर, उसके बाद हमने स्टेट किया रीड ओनली ताकि यूज़र सेलेक्ट कर सके, कुछ टाइप ना कर सके। आई होप इतना समझ आ चुका होगा। उसके बाद जो हमने वैल्यूज सेट करनी है कॉम्बो बॉक्स के लिए, वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, जेंडर कॉम्बो बॉक्स, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के वैल्यूज, उसके बाद हम एक टूपल असाइन टूपल लिखेंगे यहाँ पे, और टूपल के अंदर वैल्यूज़ होंगी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जेंडर कॉम्बो बॉक्स डॉट करंट, जो उसकी करंट होगी वो क्या होगी, जो टूपल की जीरोथ पोजिशन पे है, मेल, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका हो कि हमने कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट किया। अब कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो गया हमारा, हमने कॉम्बो बॉक्स भी सीख लिया कैसे क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्बो बॉक्स के बाद कि हमें रेडियो बटन कैसे ऐड करना है, ओके। अब बात करते हैं रेडियो बटन क्या होता है। तो रेडियो बटन क्या होता है, तो रेडियो बटन में क्या होता है, यूज़र एक वैल्यू को सिलेक्ट करता है, रेडियो बटन राउंड होते हैं और यूज़र बहुत सारे रेडियो बटन में से एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यूज़र से पूछना हो कि वो स्टूडेंट है या टीचर है, तो अगर हम जानना चाहते हैं कि जो यूज़र है वो किस टाइप का है, वो स्टूडेंट है या वो टीचर या फैकल्टी है, तो क्या होगा, तो यूज़र इनमें से किसी एक बटन को सिलेक्ट करेगा। मान लीजिए अगर यूज़र ने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा, अगर स्टूडेंट सिलेक्टेड है और यूज़र ने टीचर को सिलेक्ट किया तो स्टूडेंट अनसेलेक्ट हो जाएगा और टीचर सिलेक्ट हो जाएगा। तो समझते हैं, इसको बना के देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा रेडियो बटन क्या होते हैं, ओके। अब रेडियो बटन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, वही टीटी के यूज़ करनी पड़ेगी मॉड्यूल, उसके बाद टीटी के मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है रेडियो बटन, और उस रेडियो बटन क्लास के अंदर आपको पास करना होगा वेन। उसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट पास कर सकते हैं, जो टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, मतलब कि वैल्यू का मतलब क्या होगा अभी बताता हूँ मैं आपको। वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अभी स्टूडेंट, वैल्यू भी स्टूडेंट लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लिखना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल नहीं लिखना है, यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यूज़र टाइप, ओके, और यूज़र टाइप नाम का वेरिएबल टी के डॉट, वैसे मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग बार, उसके बाद क्या करूँगा वेरिएबल, वेरिएबल इक्वल्स यूज़र टाइप। अब देखिए क्या होगा, अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया, यूज़र ने किसको सेलेक्ट किया, यूज़र ने सेलेक्ट किया स्टूडेंट को, तो यूज़र ने अगर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया
तो यूज़र टाइप वेरिएबल में चला जाएगा स्टूडेंट, तो ये वैल्यूज चली जाएगी, जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा वो वैल्यू इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ओके। बट यहाँ पे स्टूडेंट का ही मतलब है तो आप स्टूडेंट ही लिखोगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो रेडियो बटन है इसको मैं क्या करता हूँ, वैसे ही एक वेरिएबल में साइन करता हूँ, ओके। तो रेडियो btn1, ओके। और जो रेडियो btn1 डॉट, इसको मैं ग्रिड लेआउट मैनेजर यूज़ करूँगा। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रो, मैं फॉर एग्जांपल रो मैं इसके करता हूँ सिलेक्ट 04 और कॉलम सेलेक्ट करता हूँ इसका 0, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, अभी देखता हूँ क्या आउटपुट आती है मेरे पास, ओके। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक स्टूडेंट नाम का एक छोटा सा रेडियो बटन आ रहा है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का एक और रेडियो बटन क्रिएट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं रेडियो btn2 लिख दूँगा, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह क्या लिखूँगा, यहाँ पे टीचर, ओके, स्टूडेंट की जगह टीचर। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो वेरिएबल रहेगा वो सेम रहेगा दोनों रेडियो बटन के लिए। क्यों सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर यूज़र एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करे और अगर वो दूसरे को भी सिलेक्ट करे तो पहले वाला अनसेलेक्ट हो जाए। कहने का मतलब क्या है, देखिए सॉरी यहाँ पे मेरे को कॉलम इसका 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि ताकि ये कोलैप्स ना करे, इसका कॉलम 0 इसका कॉलम 1, ओके। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रेडियो बटन में सिलेक्ट करूँगा स्टूडेंट को, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टीचर को तो स्टूडेंट अनसेलेक्ट हो जाएगा, टीचर सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको समझ आ चुका होगा रेडियो बटन क्या होता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, रेडियो बटन अगर मैं टीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे वेरिएबल में जो यूज़र टाइप वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू जा रही है, टीचर, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी टीचर, तो ओके। अब इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम, आप टेंशन ना लो। अभी फ़िलहाल के लिए हम सीखते हैं कि चेक बटन कैसे क्रिएट करना है, मतलब कि यूज़र चेक करने वाला बटन कैसे क्रिएट कर सकता है, चेक बटन, ओके। तो चेक बटन क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपने कई वेबसाइट देखी होगी जिसमें आपके पास एक ऑप्शन आता है सब्सक्राइब टू आर न्यूज़लेटर, ठीक है। तो न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने के लिए वो एक चेक बटन पे या आपके ईमेल मांगते हैं, कुछ भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसी के लिए मुझे एक चेक बटन क्रिएट करना है, तो वो चेक बटन कैसे क्रिएट होगा वही देखते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, वही काम फिर से, टी टी के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक क्लास है चेक बटन, और चेक बटन क्लास के अंदर हमें विन पास करना है, और विन के बाद हमें वही काम करना है, इसमें भी हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैं पास करता हूँ चेक इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, ओके। तो मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, ओके। उसके बाद मुझे वही काम करना होगा, सबसे पहले तो वैल्यू फॉर एग्जांपल देखिए अभी यहाँ पे दो वैल्यू होंगी इसकी, अभी वैल्यू के बारे में भी बाद में बात करते हैं। देखिए अभी मैंने क्या किया, एक चेक बटन क्रिएट किया है, ठीक है, जिसका टेक्स्ट होगा ये, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको वही चेक btn नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा अब, और इस पे मैं कॉल करूँगा ग्रिड को, ओके। उसके बाद इसकी जो रो होगी वो कितनी देता हूँ, रो मैं इसकी रो 5 और कॉलम इक्वल्स 0, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी गड़बड़ हो गया, जो मेरा UI था वो काफ़ी बिगड़ गया, ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कॉलम 1 था वो सारा का सारा यहाँ तक रह गया, ठीक, कॉलम 0 था वो यहाँ तक रह गया और कॉलम 1 यहाँ पे चला गया।
तो ये क्यों हो रहा है? देखिए अभी ये जो Tkinter को लग रहा है कि हमारा कॉलम वन अब हमारा यहाँ तक एक्सटेंड हो चुका, इसके कारण, क्योंकि ये सॉरी कॉलम ज़ीरो है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो चुका क्योंकि ये कॉलम ज़ीरो में मैंने लिखा, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम चाहते हो ये जो हमारा चेक बटन है ये हमारे जो ऊपर वाले कॉलम से उनको भी एक्सटेंड ना करें, बल्कि खुद ही दो तीन कॉलम को यूज़ कर लें। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम स्पैन यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये खुद ही कितने कॉलम यूज़ कर ले, फॉर एग्जांपल तीन कॉलम ये खुद यूज़ कर ले बट दूसरों को एक्सटेंड ना करें, तो ऐसा समझ सकते हैं आप। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम है बट ये दूसरों को। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ओके, अब देखो क्या होगा। अभी देखिए, अभी हमें एक वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और उस वेरिएबल में दो वैल्यू होगी, या तो होगी ज़ीरो या वन। देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको क्या किया, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी वन, अगर ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो वैल्यू रहेगी ज़ीरो। ओके, तो उस वेरिएबल बनाता हूँ मैं, तो वेरिएबल किस टाइप का बनाऊँगा मैं, देखिए, चेक बटन वार। ओके, और ये मैं इंट टी के डॉट इंट वार इस टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा, और ये वेरिएबल मेरा बन चुका, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो मेरे को वेरिएबल की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, वो सेट करनी पड़ेगी किसके इक्वल, चेक बटन वार के इक्वल। ओके, और अब देखते हैं, अब एक और काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बाय बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये बटन चेक रहे तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उप्स, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए अभी यहाँ पे क्या है, इसको अभी अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक है तो अनचेक ही रहने दो अभी के लिए। तो देखिए अभी भी बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसको मैं चेक कर सकता हूँ, अनचेक कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा कि अभी हो क्या रहा है। देखिए चेक बटन है, अगर मैं इसको चेक करूँगा तो क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेरे चेक बटन वार में, वन, अगर अनचेक होगा तो ज़ीरो। ओके, अब हमने चेक बटन भी क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमने रेडियो बटन भी क्रिएट कर लिया, हमने कॉम्बो बॉक्स भी क्रिएट कर लिया, हमने उसके बाद एंट्री बॉक्सेस, लेबल्स, ये सब कुछ क्रिएट कर लिया, बट अब हम क्रिएट करते हैं अपना सबमिट वाला बटन, ठीक है। तो ये सबमिट बटन, ठीक है, अब देखिए इसको इसको फिर से कमेंट आउट करता हूँ। अब सबमिट बटन देखिए क्या होगा, सबमिट बटन में देखिए पहले तो अपनी एप्लीकेशन को मैं फिर से रन करता हूँ। उप्स, सबसे पहले तो मैं इस सबमिट बटन के रो को चेंज करता हूँ, इसकी रो को बेचारे को करता हूँ सिक्स। अब देखिए, ओके, तो ये मेरा छोटी सी GUI एप्लीकेशन, बट अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी हम चाहते हैं कि ये डेटा मेरा किसी फाइल के अंदर स्टोर हो, ठीक है, तो वो भी काम करेंगे, देखते हैं वो काम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं टाइप कर सकता हूँ, और इसकी इस वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा चैलेंज भी दूंगा मैं, जो आपको करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और सबमिट बटन को देखते हैं। जब सबमिट बटन मेरा क्लिक होगा तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एक्शन फंक्शन कॉल होगा। अब एक्शन फंक्शन के अंदर मुझे बहुत काम करना है, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट नहीं कराना, बट स्टार्टिंग हम प्रिंट से ही करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल बनाए, यूज़र नेम, यूज़र एज और यूज़र ईमेल, बट मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए। देखिए मुझे वैल्यू चाहिए यूज़र का जेंडर क्या है, यूज़र के जेंडर के बाद यूज़र का टाइप क्या है, यूज़र टाइप के बाद मुझे चाहिए कि यूज़र ने सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा मेरे न्यूज़लेटर को। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जेंडर वाली वैल्यूज़ को गेट करता हूँ, उसके बाद यूज़र टाइप वाली वैल्यू को गेट करूँगा, उसके बाद ये चेक करूँगा कि सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। ओके, ठीक है, देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी तो सिंपली ये मेरे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए इसके बाद मुझे गेट करना है जेंडर, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है जेंडर वार, मुझे इस वैल्यू को क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गेट करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा यूज़र
जेंडर, ओके, उसके बाद जेंडर वार डॉट गेट, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे गेट हो गई। उसके बाद देखिए, अगर जेंडर वार की वैल्यू मैंने गेट कर ली, ठीक है, जेंडर वार के बाद देखिए मेरे पास क्या था, यूज़र टाइप जो कि कॉम्बो बॉक्स में था, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स वाले सॉरी जो कि था रेडियो बटन में, ठीक है, जो रेडियो बटन में जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया यूज़र टाइप, इसमें यूज़र का टाइप क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़र टाइप, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल था मेरे पास यूज़र टाइप डॉट गेट, यूज़र टीचर है या स्टूडेंट है वो मुझे गेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, सब्सक्राइब, मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल 01 भी प्रिंट करा सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ यहाँ पे देखिए चेक बटन, तो चेक बटन वाला है, इसमें क्या होगा, यह पता लगेगा कि यूज़र ने मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, ठीक है। इफ़ चेक बटन वार डॉट गेट, अगर मैं इसकी वैल्यू को गेट करूँगा, ओके, और अगर वो वैल्यू ही जीरो के इक्वल, मतलब कि न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो मैं सब्सक्राइब्ड की वैल्यू को सेट कर दूंगा नो के इक्वल, एल्स सब्सक्राइब की वेरिएबल की वैल्यू को मैं सेट कर दूंगा यस के इक्वल, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र जेंडर, यूज़र टाइप और सब्सक्राइब्ड की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। मैं सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ इस टाइम पे, यूज़र जेंडर, मैं कोमा डाल के प्रिंट कर देता हूँ तीनों चीज़ें, यूज़र टाइप, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब्ड, ओके ओके। अब मैं सबमिट बटन देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरे पास सब कुछ प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके तो मैं क्या करता हूँ, ओके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ हर्षित, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं ईमेल, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षित एट द रेट abc.com, उसके बाद एंटर योर एज, मैं यहाँ पे एज एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 years old, उसके बाद जेंडर मेल, उसके बाद मैं स्टूडेंट हूँ, उसके बाद सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, उसके बाद सबमिट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर्षित इज 8 years old, मेरे यहाँ पे ईमेल भी आ रहा है, यहाँ पे मेल भी आ रहा है, स्टूडेंट भी आ रहा है, मैं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी आ रहा है, ठीक है, बट मैं इसको अनचेक करके सबमिट करूँ तो यहाँ पे नो आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है मेरा सबमिट वाला बटन। बट अब आती है मेन एप्लीकेशन जो हमने बनानी है अपने इसको यूज़ करके, ओके, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ क्रॉस। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ जो भी डेटा हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, इस डेटा को हम क्या करें, किसी फाइल के अंदर स्टोर करें, ओके, तो फाइल के अंदर स्टोर करना है, ओके, फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए आपको वही काम करना है विद जो हमने पहले किया था, विद ओपन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है file.txt, ओके, file.txt एक फाइल है मेरे पास, और उस फाइल के बाद क्या है, मैं इस फाइल को ओपन करूंगा अपेंड मोड से asf, उसके बाद file.write, इस फाइल में मुझे राइट क्या करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं f string यूज़ करता हूँ, मुझे यहाँ पे 6 वेरिएबल राइट करना है, 3, 4, 5, 6, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ राइट करनी है। अभी थोड़ी देर में अभी हम बात करेंगे कि हम csv फाइल में राइट कैसे करेंगे, तो टेंशन ना लो, देखिए, और यहाँ पे एंड में हम क्या करेंगे, \n, ताकि जो अगर दोबारा राइट हो तो नेक्स्ट लाइन में राइट हो, ओके। और अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल अपने यूज़र नेम लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र एज, और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र ईमेल, और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र जेंडर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र टाइप, और यहाँ पे मैं पास करूँगा सब्सक्राइब्ड की वैल्यू, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके, और यहाँ पे एंटर योर नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षित है अब इस टाइम पे 6 years old, सॉरी यहाँ पे ईमेल लिखनी है
harshit@gmail.com. उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एज लिखनी है 6, उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल हर्षित आई वी स्टूडेंट, और यहाँ पे चेक करता हूँ तो मैं सबमिट करता हूँ. ओके, फाइल इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे एफ आएगा. आप में से कहीं ने ये गलती मेरी पहली पकड़ ली होगी. ओके, मैं फिर से क्या करता हूँ, फिर से कुछ राइट कर देता हूँ. इस टाइम अर्षित हो चुका है 7 ईयर्स ओल्ड का स्टूडेंट. उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ. ओके, और अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो चुकी होगी. ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ और अपनी फाइल देखता हूँ मेरी फाइल क्रिएट हुई क्या नहीं. मैं ls, देखिए मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, फाइल डॉट txt. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोड फाइल डॉट txt. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्षित एज आ रही है 7 ईयर्स ओल्ड. उसके बाद एज के बाद क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है harshit@gmail.com. उसके बाद मेल स्टूडेंट यस. ओके, तो मैं अपनी फाइल के अंदर राइट कर सकता हूँ, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी एप्लीकेशंस के अंदर. वो प्रॉब्लम्स क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको. देखिए सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी राइट करता हूँ यहाँ पे, ईमेल यहाँ पे एज 44 राइट करता हूँ. देखिए अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास कुछ भी इंडिकेशन नहीं आ रही कि ये वैल्यू राइट हो चुकी है मेरी फाइल के अंदर, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे. ठीक है, मैं चाहता हूँ जब कोई वैल्यू राइट हो जाए तो कुछ चेंजेस हो. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, एंटर योर नेम, ईमेल और एज, ये सभी क्लियर हो जाएँ. मतलब कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब कुछ डिलीट हो जाए. ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं. देखिए तो हमने क्या किया, अपनी फाइल के अंदर राइट कर दिया और हम चाहते हैं कि हम अपनी फाइल के अंदर राइट करने के बाद इसमें क्या करें, जो लेबल, जो एंट्री बॉक्स है उसको डिलीट करें. देखिए मेरे पास कितने एंट्री बॉक्स हैं, 3 एंट्री बॉक्स हैं मेरे पास. ठीक है, नेम एंट्री बॉक्स, ईमेल एंट्री बॉक्स और क्या है, एज एंट्री बॉक्स. नेम, ईमेल, एज, इन तीनों एंट्री बॉक्स की वैल्यूज को डिलीट करें. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्फिगर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल नेम एंट्री बॉक्स, नेम एंट्री बॉक्स, और यहाँ पे एक मेथड डिलीट यूज़ कर सकते हैं, डिलीट मेथड. ओके, और ये जो डिलीट मेथड होगा, एज आर्गुमेंट आप पास करेंगे इसमें दो वैल्यूज, 0, और यहाँ पे आप पास करेंगे tk डॉट, एक ग्लोबल वेरिएबल है एंड. ओके, ये यूज़ करेंगे. ओके, और ये काम आप एज के साथ करेंगे और यही काम आप ईमेल एंट्री बुक के साथ करेंगे. ओके, अब मैं राइट करता हूँ इसमें कुछ, फॉर एग्जांपल इस बार मैं अमन राइट करता हूँ और aman@gmail.com और एंटर योर एज, फॉर एग्जांपल अमन है 4 साल का, यहाँ पे स्टूडेंट और चेक. ओके ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो गई. ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे जो भी था वो क्लियर हो गया, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे एंटर हो चुकी है. ओके, अब और भी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको कलर चेंज करना है, किसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास लेबल्स हैं इनका कलर चेंज करना है. तो कलर कैसे चेंज करोगे इनका, ओके, तो वो बात करते हैं अभी. तो देखिए ये डिलीट करने के बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि कलर चेंज करना है आपको, जो ये जो नेम एंट्री बॉक्स है इसका कलर चेंज करने के लिए आप यूज़ करोगे कन्फिगर. ओके, और देखिए यहाँ पे दो तरह के कलर होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड. तो जो आपका टेक्स्ट होता है, जो लिखा होता है, वो होता है फोरग्राउंड. तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फोरग्राउंड. ओके, तो फोरग्राउंड कलर में आप या तो वैल्यूज़ पास करते हैं ब्लू, रेड, येलो. जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ ब्लू. ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ और मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ. फॉर एग्जांपल इस बार मैं वैल्यू पास करता हूँ रोहित और ईमेल पास करता हूँ rohit@gmail.com. उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल मैं एज पास करता हूँ यहाँ पे, रोहित है 5 साल का फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे रोहित है 5 साल का टीचर है फॉर एग्जांपल. यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ. ओके, सबमिट तो मैंने कर दिया. ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो नेम एंट्री बॉक्स है इसकी वैल्यू जो है वो ब्लू नहीं हुई, क्योंकि ये एंट्री बॉक्स है और मैंने गलती से यहाँ पे नेम एंट्री बॉक्स लिख दिया। यहाँ पे मुझे लिखना था नेम लेबल, सॉरी। ओके, तो मैं फिर से लिख देता हूँ कोई नाम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस बार लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल रोहित, एक बार फिर से लिख देता हूँ रोहित एट द रेट रोहित abc.com, एज फॉर एग्जाम्पल रोहित ये 3 साल का है और ये स्टूडेंट है, और सबमिट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इसकी जो कन्फिगर करके इसकी जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने कलर पास कराया ब्लू, बट यहाँ पे 5-6 कलर हैं आपके पास, ब्लू, येलो, रेड, सियान, ओके। बट यहाँ पे आप खुद का कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और गॉड ब्लेस यू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गूगल कलर पिकर फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कोई भी हेक्सा वैल्यू ले सकते हैं कलर की, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, मतलब कि मैं बताता हूँ क्या होता है हेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये वाला कलर, ठीक है, और तो इसकी जो हेक्स वैल्यू है वो है ये, ओके। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये वाला कलर, तो इसकी हेक्स वैल्यू है ये। तो ये कलर पिकर है, आप कोई भी कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर फोरग्राउंड में सिंपली यहाँ पर हेक्स वैल्यू पास कर दूँगा और हेक्स वैल्यू में हैश भी होगा, ओके। तो हेक्स वैल्यू क्या होता है, RGB कलर आए, पहले दो R के लिए, दूसरे दो G के लिए और तीसरे दो B के लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ, ओके। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, हर्षित एक बार और आया, उसके बाद हर्षित का Gmail, और उसके बाद क्या हर्षित की है, इस बार 2 साल का है वो, और इस बार वो टीचर है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ऐसे आप कुछ भी कन्फिगर कर सकते हैं, आई होप समझ आ चुका होगा। तो ये था कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, ओके। अब एक बात और गाइस, एक बात और, अभी हमने जो बटन यूज़ किया है ये हमने TT के मॉड्यूल का यूज़ किया है, बट आप इस TT के वाले बटन के फोरग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस बटन का भी कलर चेंज करना है, देखिए जो मेरे पास बटन है, सबमिट बटन, फॉर एग्जांपल सबमिट बटन डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे मैं इसके फोरग्राउंड को फॉर एग्जांपल करता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू, ओके। तो मैं इसके कलर को ब्लू करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस बार आया है रोहित अगेन, उसके बाद रोहित की मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोरग्राउंड आपके पास अवेलेबल नहीं है जो TT के, ये आपको हो जाएगा कलर चेंज, उसके लिए आपको स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको बटन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे TT के वाले बटन की जगह TK वाला बटन यूज़ कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब क्या अभी समझ आएगा आपको। यहाँ पे आपको सिंपल TK यूज़ कर लो, ओके। अब एरर नहीं आएगी, अब देखते हैं मनदीप, तो ये बटन का कलर चेंज हो चुका है, आई होप आपको इतना पता लग चुका होगा, ओके। तो ये था कि हमने अपने फाइल के अंदर कैसे राइट करना है, ओके। तो मैं इसके बटन को रहने देता हूँ, इसका कलर मैं नहीं चेंज करता, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट करता हूँ CSV फाइल के अंदर, ओके। तो मुझे इस फाइल के अंदर राइट नहीं करना, मुझे CSV फाइल के अंदर राइट करना है।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को करता हूँ मैं कमेंट आउट, ये जो कोड है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ फिर से बनाता हूँ राइट टू सी एस वी फाइल, जो भी डेटा है उसको सी एस वी फाइल में कैसे राइट करना है। तो मुझे वही एक्शन नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये तीन वेरिएबल मेरे यूज़ होंगे ही होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट आउट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये कोड भी मेरा यूज़ होगा इसमें, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसको भी मैं क्या करता हूँ अनकमेंट, ओके। उसके बाद देखिए मुझे करना क्या होगा, उसके बाद मुझे ये काम भी करना है, इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ओके। और अब इसके बाद जो इसके बीच में करना है मुझे, इसके बीच में इसको मतलब कि यहाँ से डिलीट करने से पहले मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे सी एस वी फाइल में राइट करना है। अगर आपने मेरी सी एस वी फाइल वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखिए। तो मैं यहाँ पे वही काम करूँगा, फ्रॉम सी एस वी इम्पोर्ट सी एस वी राइटर, सॉरी डिक्ट राइटर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वही काम करना है मुझे, विद ओपन फॉर एग्जांपल फाइल का नाम होगा सी एस वी, और इसको भी मैं अपेंड मोड से ओपन करूँगा एज एफ। उसके बाद यहाँ पे डिक्ट अंडरस्कोर राइटर नाम का एक बनाऊँगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डिक्ट राइटर क्लास, इसमें पास करूँगा एफ। यहाँ पे आपको पता है मुझे फील्ड नेम्स भी पास करने पड़ेंगे, ओके। और फील्ड नेम से मैं पास करूँगा एक लिस्ट, और लिस्ट में क्या होगा देखिए गाइस, लिस्ट में चीज़ होगी फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, और इसको मैं स्ट्रिंग्स में लिखूँगा। अगर आपने मेरी सी एस वी राइट वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखिए, उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ओके। उसके बाद यूज़र ईमेल एड्रेस, और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूज़र एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा यूज़र टाइप के बाद चार वेरिएबल हुए हैं अभी, नेम एज टाइप। उसके बाद मुझे काम क्या करना है, उसके बाद एक और वेरिएबल होगा सब्सक्राइब्ड, और ये एक ही लाइन है गाइस, इस कंफ्यूज मत होना। उसे यूज़र नेम हो गया, यूज़र एज हो गई, यूज़र ईमेल एड्रेस हो गया, यूज़र टाइप हो गया, ओके। तो ये सब कुछ हो गया, वो चीज़ है यूज़र जेंडर, यूज़र जेंडर, और यूज़र जेंडर के बाद एक और चीज़ है, ओके। तो ये है मेरे पास डिक्ट राइटर, और अब मैं क्या करूँगा देखिए, वही काम करना है गाइस, बिल्कुल वही काम। अब आपको हेडर्स राइट करने हैं, जो आपकी सी एस वी फाइल होती है उसके हेडर्स, बट हेडर्स अगर आप सिंपल लिख देंगे राइट हेडर्स, तो उससे क्या होगा, हर बार हेडर्स राइट हो जाएंगे, और उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फ़ाइल अगर एम्प्टी है तो ये आपको हेडर्स राइट करने हैं। तो अगर आप चेक कैसे करोगे आपकी फ़ाइल एम्प्टी है, पहले मैं आपको बता दूं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओके। सबसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्ट राइटर डॉट राइट हेडर, तो ये मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद डिक्ट राइटर डॉट, एक मेरे पास मेथड है राइट रो, और ये मेथड एल एंड कोड लेगा एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में होगा की वैल्यूज पेयर, ओके। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पहले की होगी जो मेरा हेडर होगा यूज़र नेम, और इसकी वैल्यू होगी जो ऊपर यूज़र नेम था वो यूज़र नेम। उसके बाद एक की होगी मेरे पास यूज़र ईमेल एड्रेस, यूज़र ईमेल
एड्रेस और इसकी वैल्यू होगी यूज़र ईमेल। और उसके बाद क्या होगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन जो फील्ड्स हैं इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ जो ये वेरिएबल्स हैं इनसे। ओके, उसके बाद है यूज़र एज, यूज़र एज उसके बाद है यूज़र जेंडर ये लाइन मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। यूजर जेंडर और यहाँ पे यूजर जेंडर के बाद है यूजर टाइप। उसके बाद सब्सक्राइब्ड, इसकी वैल्यू होगी सब्सक्राइब्ड। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अब मैं इस एप्लीकेशन को फिर से रन करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ क्लोज करता हूँ और इसको फिर से रन करता हूँ। अब देखना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहली बार मैं CSV फाइल में राइट कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षित, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ harshit@gmail.com। उसके बाद एंटर योर एज, फॉर एग्ज़ाम्पल हर्षित है इस बार सिर्फ 2 साल का और वो है टीचर, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और सबमिट करता हूँ। ओके, सबमिट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, और इसको एक बार क्लोज करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, फाइल्स देखता हूँ मेरे पास CSV फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई। मेरे पास एक CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है, file.csv, और इसको मैं क्या करता हूँ ओपन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है, देखिए यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र ईमेल एड्रेस, यूज़र एज, यूज़र जेंडर, यूज़र टाइप और सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है, अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। बट अगर मैं क्या करूँ, देखिए इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ। ओके सॉरी गाइस, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। इस बार मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ मोहित, उसके बाद mohit@gmail.com, उसके बाद एज मैं फॉर एग्जांपल सेट करता हूँ 6, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद सबमिट, उसके बाद सबमिट करता हूँ ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे हेडर्स फिर से राइट हो चुके हैं, और ऐसा मैं नहीं चाहता कि हेडर्स फिर से राइट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा गाइस, इसके लिए मैं काम कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी फ़ाइल एम्प्टी है या नहीं। अगर मेरी फ़ाइल एम्प्टी हुई तभी मैं हेडर्स को क्या करूँगा, हेडर्स राइट करूँगा। तो उसके लिए मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ OS मॉड्यूल। ओके, और OS मॉड्यूल, और यहाँ पे क्या गाइस, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जहाँ पे हेडर्स राइट किए मैं, यहाँ पे os.stat, उसके बाद फाइल का नाम file.csv, उसके बाद .st_size=0। अगर ये ज़ीरो हुआ, और अगर इफ कंडीशन से चेक करूँगा, अगर ये ज़ीरो हुआ तभी मैं हेडर्स को राइट करूँगा। ओके, बस इतना बहुत है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए इस CSV फाइल में से इसको मैं करता हूँ, पूरी CSV फाइल को मैं डिलीट करता हूँ, और अब मैं फिर से क्या करता हूँ, राइट करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको मैं राइट करता हूँ फिर से।
यहाँ पे फॉर एग्जांपल हर्षित हर्षित, उसके बाद एंटर योर एज फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट, इसके बाद इसमें सब्सक्राइब नहीं किया फॉर एग्जांपल, सबमिट। ओके तो ये हो गया, और मैं क्या करता हूँ इसको फिर से सबमिट कर, फिर से मैं कुछ लिखता हूँ रोहित रोहित एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, उसके बाद एंटर योर एज फॉर एग्जांपल 6 सबमिट। ओके तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, हेडर्स राइट नहीं हो रहे, बट एक प्रॉब्लम है अभी भी, यहाँ पे जो स्पेसिंग आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे न्यू लाइन इक्वल्स, हाँ अब स्पेसिंग नहीं आएगी, और अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से हटाता हूँ और फिर से अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हर्षित हर्षित सेट रेट जीमेल डॉट कॉम, एंटर योर एज 50 फॉर एग्जांपल, टीचर सबमिट। ओके ओके अब यहाँ पे हेडर्स नहीं राइट हुए गाइस, सॉरी मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव नहीं किया, मतलब कि न्यू लाइंस थी इसमें। ओके तो ये बिल्कुल सही है। ओके और अभी यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हर्षित और जीमेल डॉट कॉम एजेट और टीचर सबमिट। ओके तो बिल्कुल सही है, तो जो भी डेटा था वो मेरा CSV फाइल में स्टोर हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा।